सुशील कुमार गुप्ता जी, श्री सुशील कुमार गुप्ता जी नॉट प्रेजेंट, श्री ऑनरेबल श्री अशोक सिद्धार्थ जी प्लीज। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय। आज इस बिल को मैं समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि जब धारा 370 खत्म की गई थी, उसके आधार पर जो बाकी की सुविधाएं वहां पर बहाल करने की बात आई है, उसमें जम्मू कश्मीर कैडर के जो आईएएस आईपीएस और आईएफएस के लोग हैं, उनको अब एक नए कैडर में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरिटरी के कैडर में संबद्ध किया जाएगा। इससे दो चीज़ें तो स्पष्ट हैं कि वो कम से कम जम्मू कश्मीर, जो यूपी, दिल्ली, बिहार या तमाम प्रदेशों के नौजवान वहाँ पर आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की नौकरी करने के लिए जाते थे, तो उनके परिवार के लोग बहुत चिंतित रहते थे। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है, घूमने जाने के लिए तो सब लोग आतुर रहते हैं और जाना चाहते हैं, लेकिन प्रायः देखा गया है कि जब भी कैडर, जम्मू एंड कश्मीर कैडर जब अलाट होता था, चाहे आईएएस का हो, चाहे आईपीएस का हो या फिर आईएफएस का हो, तो परिवार के लोगों में थोड़ी चिंता रहती थी, क्योंकि हमेशा से ही वहाँ पर कुछ ना कुछ तनाव रहता था। जबकि माननीय सभापति महोदय, जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट था और अब यूनियन टेरिटरी हो गया है लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, उसके बाद से पहले वहाँ पर जो वहाँ के एस अफसर, जो स्टेट सर्विस के अफसर थे, उनको 50% प्रमोशन करके आईएएस बनाने की प्रक्रिया थी, लेकिन इस बिल के बाद उनको मात्र 33% प्रमोट किया जाएगा। मेरी माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वो प्रक्रिया 50% की एक तो बहाल रखी जाए, दूसरा जो वहाँ पर एससी एसटी के लोग हैं उनको, चूँकि जब 50% की प्रक्रिया होगी तो जो लोग एससी एसटी के लोग रिजर्वेशन पा करके के एस बनेंगे, उन्हें भी आईएएस बनने का मौका मिलेगा। तीसरी, मैं माननीय उपसभापति महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि 370 समाप्त होने के बाद से एक भय का वातावरण पूरे जम्मू एंड कश्मीर रीजन में रहा है और पूरे देश में भी रहा है। उससे जो जनजीवन की व्यवस्थाएँ थी लंबे समय तक बंद कर दी गई थी, धीरे धीरे उनको लागू किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ, मेरा अनुरोध है, मेरा निवेदन है कि जो मौलिक सुविधाएं वहाँ पर हैं, चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा की, इनके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन की, उनको यथाशीघ्र और ख़ास तौर से जो हमारे जीवन का एक मुख्य अंग बन गया है टेलीफोन, मोबाइल, उसकी इंटरनेट की सुविधाओं को पूरी तरह से लागू किया जाए। मैं इन चार लाइनों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि मौत सच है, ये बात अपनी जगह, मौत सच है, ये बात अपनी जगह, जिंदगी का श्रृंगार करते रहो। मौत सच है, ये बात अपनी जगह, जिंदगी का श्रृंगार करते रहो। नफा नुकसान होता रहता है, प्यार का कारोबार करते रहो, प्यार का कारोबार करते रहो। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अशोक सिद्धार्थ जी। माननीय सुशील कुमार गुप्ता जी,